नीट और जेई 2021 की आप तैयारी कर रहे हो और आप पढ़ रहे हो आईयूपीएससी नॉमनक्लेचर। आईयूपीएससी नॉमनक्लेचर में अभी तक अपन कई सारे कंपाउंड का नामकरण कर चुके हैं, अब जो बचे हुए थोड़े बहुत कंपाउंड हैं उनका भी अपन नामकरण करने वाले हैं, दैट इज नॉमनक्लेचर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आईयूपीएससी नॉमनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। आईयूपीएससी नॉमनक्लेचर चल रहा था, एनहाइड्राइड ईथर, साइक्लिक ईथर और भी बहुत सारे कंपाउंड्स का नॉमनक्लेचर अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आज की क्लास का है वो है आईयूपीएससी नॉमनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन का नॉमनक्लेचर। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके कंपाउंड में कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसका कार्बन आप पीसीसी में इंक्लूड नहीं करोगे एक्सेप्ट एल्डिहाइड और कीटोन। इफ अ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट देन इट्स कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन पीसीसी एक्सेप्ट एल्डिहाइड और कीटोन। कि अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है आपके कंपाउंड में, ठीक है, तो उसके कार्बन को आप इंक्लूड नहीं करोगे एक्सेप्ट एल्डिहाइड और कीटोन। अगर एल्डिहाइड और कीटोन है, अगर पॉसिबल है तो अपन उसे कवर्ड करेंगे पीसीसी में, ठीक है, ये ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि हमें हमेशा करना, नहीं, अगर पॉसिबल होगा तो अपन कवर्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब यहां पर अगर एल्डिहाइड और कीटोन एज अ सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो वहां पर उनके प्रेफिक्स भी होते हैं। जैसे अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो एल्डिहाइड में हमारे पास प्रेफिक्स जो आते हैं वो दो आते हैं, प्रेफिक्स जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है हमारे पास फॉर्माइल, एक होता है हमारे पास ऑक्सो। अब इन दोनों का यूज कब करना है, कैसे करना है, उसकी बात करते हैं। फॉर्माइल प्रीफिक्स का यूज आप तब करोगे जब एल्डिहाइड जो है वो पीसीसी के बाहर है, जो आपका एल्डिहाइड का कार्बन होगा वो अगर पीसीसी के बाहर है, ये यहां पर जो कार्बन इज नॉट इन पीसीसी, अगर पीसीसी प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है तो, और ऑक्सो का यूज करेंगे जब कार्बन जो हो वो पीसीसी में इंक्लूड होगा तब आप यूज करोगे। और कीटोन का तो आप जानते ही हो, कीटोन का जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है आपके पास, कीटो, ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पर बेस्ट, इन पे बेस्ट क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या वैरायटी बन सकती है, थोड़ा सा अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर एक एग्जांपल देखो, इस कंपाउंड को थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर आपके पास फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। एक एसिड हैलाइड है, एक एल्डिहाइड है। यहां पर इन दोनों में से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज करना है तो आपको पता चलेगा कि जो एसिड हैलाइड है वो एल्डिहाइड के ऊपर आता है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब आप प्रिंसिपल कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है, मतलब हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन इस कार्बन से स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां पर आएंगे, यहां पर आकर दो रास्ते हैं, या तो सीधा मूव करूं या यहां मूव करूं। अब यहां पर देखना है एज अ सब्स्टिट्यूएंट एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो यहां पर कार्बन चेन को सिलेक्ट करने का जो हमारे पास ऑर्डर है वो क्या है कि यहां पर आकर रुकना है, देन क्या सोचना है कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कवर्ड होना चाहिए कि हो चुका है भाई, देन ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, अगर इधर जाऊंगा तो एक मल्टीपल बॉन्ड कवर्ड होगा, इधर जाऊंगा तो कोई भी मल्टीपल बॉन्ड कवर्ड नहीं होगा पीसीसी के अंदर, तो मैं कहां पर मूव कर जाऊंगा, मैं तो यहां मूव कर जाऊंगा। अब नंबरिंग की बारी की, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को मेरा नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब यहां पर देख रहे हैं ये जो एल्डिहाइड है उसका जो कार्बन है वो पीसीसी में इंक्लूड नहीं है, मतलब यहां पर जो प्रेफिक्स यूज होने वाला है वो क्या यूज होने वाला है, फॉर्माइल यूज होने वाला है। तो आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर इसका जो नॉमनक्लेचर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, थ्री पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है जिसका नाम क्या होगा, फॉर्माइल, पी टू कुछ है नहीं, कितने कार्बन आइटम है, पांच, तो पेंट, क्या सभी सिंगल बॉन्ड है, नहीं भाई एक डबल बॉन्ड है, कितने पर, फोर पर, तो फोर ई। और यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स इसका क्या होता है, ऑयल हैलाइड, तो यहां पर सीएल है तो ऑयल क्लोराइड, तो यहां पर हो जाएगा वन पर ऑयल क्लोराइड। यहां पर जानते हैं ई नहीं आएगा, कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में नहीं आते हैं, लगातार नहीं आएंगे भाई।
और क्वेश्चन भी हैं। देखो एक क्वेश्चन अकेला नहीं करना है, मैंने पहले भी कहा है अभी भी कहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। जिसने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली उतनी कमांड आ जाएगी, उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उतने क्वेश्चन वो सही कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड और कीडोन में, और ये देखते हैं कि यहाँ पर जो वैरायटी बनने वाली है क्वेश्चन की वो किस तरह से बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो आ रहा है वो कुछ इस तरह से, इस कंपाउंड को थोड़ा जोर से देखेंगे ना, जब इस कंपाउंड को जोर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार यहां पर तो दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, एक आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक आ रहा है आपके पास अमाइड। अब इन दोनों में से आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तब आप यहां पर देखोगे तो पता चलेगा आपके टेबल में कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर आता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, मतलब ये आपके लिए क्या हो जाएगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और ये कार्बन कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट है, ये ध्यान रखना है। अब कार्बन कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट है एक्सेप्ट एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब इसे, इस कार्बन को आप पीसीसी में इंक्लूड नहीं करोगे। अब जब इस कार्बन को आप पीसीसी में इंक्लूड नहीं करोगे तो आप किस तरह से पीसीसी सिलेक्ट करोगे, आपकी पीसीसी होने वाली है ये आपकी पीसीसी हो गई भाई। अब नंबरिंग करोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आपके पास पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, इसका कार्बन पीसीसी में इंक्लूड नहीं है। अब अगर इसका कार्बन इंक्लूड नहीं है तो इसका जो प्रीफिक्स होने वाला है, ठीक है, अमाइड का जो प्रीफिक्स होने वाला है वो क्या होने वाला है, कार्बोमोइल होने वाला है। क्या होने वाला है, कार्बोमोइल होने वाला है। तो यहां पर इस पर अपन नोमेनक्लेचर कर सकते हैं कि फोर्थ पर क्या है, फोर्थ पर है कार्बोमोइल, ठीक है। कितने कार्बन एटम पीसीसी में, चार, तो ब्यूट, क्या सभी सिंगल बॉन्डेड है, हाँ भाई सब सिंगल बॉन्डेड है, ब्यूटेन, वन ओइक एसिड, और यहां पर जानते हैं ई को हटा देंगे, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 4 कार्बोमाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, इस कंपाउंड को जब आप जोर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर भी आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक अमाइड और एक एल्डिहाइड। आप टेबल को देखेंगे तो पता चलेगा कि आपका अमाइड क्या होता है, ऊपर आता है, तो ये आपके लिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और एल्डिहाइड आपके लिए एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब ये कार्बन कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट है और एल्डिहाइड है भाई, तो इसे आप पीसीसी में पॉसिबल होगा तो कवर्ड करने की कोशिश करोगे, तो ये आपकी पीसीसी यहां से स्टार्ट हुई और कवर्ड करना आराम से पॉसिबल है, तो ये कवर्ड कर लिया, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब यहां पर बात आती है कि इसके प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, क्योंकि जब अपन नोमेनक्लेचर लिखेंगे तब ये हमें पता चलना चाहिए नाम लिखने के बाद कि यहां पर एल्डिहाइड एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो अगर इसका कार्बन पीसीसी में इंक्लूडेड है तो इसका जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, ऑक्सो, तो ये फोर्थ पर क्या आ रहा है, ऑक्सो। कितने कार्बन एटम है पीसीसी में, चार, तो ब्यूट, क्या सभी सिंगल बॉन्डेड हैं, हाँ भाई ब्यूटेन, और सफिक्स ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वन अमाइड, ठीक है। अब यहां पर ई को हटा देंगे क्योंकि ए और ई कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर में नहीं आ सकते हैं, तो आपका जो नाम हो जाएगा वो है 4 ऑक्सो ब्यूटेन 1 अमाइड। नेक्स्ट एग्जांपल को अगर आप गौर से देखेंगे और थोड़ा जोर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार इस कंपाउंड में तो आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, कौन कौन से, एक आपके पास आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा आपके पास आ रहा है कीटोन। इन दोनों में से डिसाइड करना बड़ा आसान, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये आपकी पीसीसी सिलेक्ट हो गई, सिंगल कार्बन चेन है भाई। आप नंबरिंग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कीटोन है और कीटोन का जो प्रीफिक्स है वो क्या यूज किया जाता है, कीटो, तो इसका नाम हो जाएगा 4 पर कीटो। फोर पर कीटो, कितने कार्बन एटम है पीसीसी में, कि भाई पांच हैं, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट, सिंगल बॉन्डेड है, कि हाँ पेंटेन, और यहां पर वन ओइक एसिड, और यहां से ई को आप ड्रॉप कर दोगे, हटा दोगे भाई, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 4 कीटो पेंटेन 1 ओइक एसिड। नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे यार, इस स्ट्रक्चर को देखकर डरना नहीं है, बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप यहां पर कार्बन बना सकते हैं, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन।
ठीक है। आपके पास फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से दिख रहे हैं, एक दिख रहा है सी डबल बॉन्ड ओ एच, एक दिख रहा है सी डबल बॉन्ड ओ एच, एक बन रहा है सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों साइड कार्बन, मतलब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपके पास एल्डिहाइड और आपके पास कीटोन है। अब यहां पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये आपके लिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पर आए इस कार्बन पर आकर सोचना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कवर्ड हो गया, देन ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, इधर जाऊंगा तो कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं, इधर जाऊंगा तब भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं, देन ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम, ऊपर जाऊंगा तो ज्यादा कार्बन एटम मिलेंगे तो मैं ऊपर मूव कर जाऊंगा। तो इस कार्बन पर आकर भी वही सोचना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कवर्ड हो गया, मल्टीपल बॉन्ड दोनों साइड नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम, इधर जाऊंगा तो एक, इधर जाऊंगा तो दो, मैं ऊपर मूव कर जाऊंगा। तो ये आपकी पीसीसी हो गई। देन नंबरिंग की बात आती है तो नंबरिंग आप किस तरह से कर सकते हो, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर ये, पांचवा नंबर ये और सिक्स नंबर ये। अब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट देखो कौन-कौन से बचे, एक एल्डिहाइड जिसका कार्बन पीसीसी के बाहर है, एक मिथाइल, एक कीटोन जिसका कार्बन पीसीसी के अंदर है। अब इनका नॉमनक्लेचर, इनके प्रीफिक्स के नाम की बात करते हैं, इसका नाम क्या है भाई, अगर ये पीसीसी में इंक्लूडेड नहीं है तो इसका होगा फॉर्माइल, इसका होगा CH3 का मिथाइल और यहां पर कीटो, फॉर्माइल, मिथाइल और कीटो। आप जानते हैं कि भाई यहां पर फॉर्माइल सबसे पहले आएगा तो अपन लिखेंगे भाई थर्ड पर क्या, फॉर्माइल। अब यहां पर इसका नाम मिथाइल है और यहां पर कीटो है, ठीक है, आई जे के एल एम एन ओ पी, मतलब के पहले आता है तो यहां पर लिखेंगे फाइव पर कीटो, देन फोर पर मिथाइल, ये पी वन लिख लिया, पी टू है नहीं, कितने कार्बन एटम पीसीसी में, सिक्स, तो हेक्स, क्या सभी सिंगल बॉन्डेड हैं, हाँ भाई सब सिंगल बॉन्डेड है, हेक्सेन और यहाँ पर वन ओइक एसिड और यहाँ से ई को ड्रॉप कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा 3-4-5-keto-4-methyl-hexane-1-oic-acid। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा कि भाई इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें अपन किस तरह से सॉल्व करेंगे भाई। तो एल्डिहाइड और कीटोन में जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना है कि अगर आपके कंपाउंड में इस तरह का फंक्शनल ग्रुप है जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और कार्बन कंटेनिंग है तो उसके कार्बन को अपन पीसीसी में इंक्लूड नहीं करते हैं एक्सेप्ट एल्डिहाइड और कीटोन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके आज की क्लास का, ठीक है। तो नोट्स बनाते हुए चलना है यार, नोट्स नहीं बनाओगे ये सब बेकार है फिर, ठीक है। कुछ देर तक तो याद रहेगा, एक दो घंटे, तीन घंटे, पाँच घंटे, कुछ लोगों को दो तीन दिन भी याद रह सकता है, ठीक है, फिर उसके बाद भूल जाओगे, ह्यूमन नेचर है भाई साहब, ठीक है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपके पास है IUPAC नॉमनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे IUPAC नॉमनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड की, साइक्लिक कंपाउंड का नॉमनक्लेचर अपन किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, जय हिंद जय भारत।